सिर्फ नजाकत की लैंग्वेज नहीं है, तो वो तहजीब की लैंग्वेज है। इन्हें तो आप जानते ही हैं, लोकप्रिय आमदार यामिनी यशवंत जाधव, असेंबली में जिन्होंने आवाज उठाई। अभी आपने स्क्रिप्ट सुने, अब हमें इनकी पूरी स्क्रिप्ट आपको सुनाएंगे, लेकिन कुछ चंद बातें बता दें। जिस तरह से इन्होंने उर्दू भवन के लिए, ये और इनके हस्बैंड यशवंत जाधव एक्स स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहे, शिवसेना उपनेता है, ऑलरेडी पहले से इन्होंने 1.5 से 2 करोड़ पास किए थे, लेकिन फिल वक्त उर्दू स्कूलों का जो हाल हो रहा, खस्ताएं हो रही है, स्कूलें बंद हो रही है, उर्दू स्कूल बंद नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक लेडी आमदार आगे आती है और कहती है कि मदरसे हो, मस्जिदें हो, जहां पे उनकी खस्ता हालत है उन्हें भी रिपेयर किया जाए, उसके लिए भी आवाज उठाई। और इस तहजीब के कारण मैं बोल रही हूँ कि जिथे जिथे उर्दू शाळा बंद झालेले आहेत, मोठा समाज आहे, आणि हे केवळ एका मुस्लिम माणसानेच नाही बोलावं, तर त्यांच्या विधानसभेत जे अल्पसंख्याकांची संख्या असते त्यानुसार प्रत्येक आमदारांनी बोललं पाहिजे की उर्दू शाळा बंद पडत चालल्यात, त्या उर्दू शाळा सुरू करण्यात याव्या। अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्याक मुलं ही शाळाबाह्य झाल्यामुळे व्यसनाधीन झालीत आणि कुठलाही मार्ग न सापडल्यामुळे ते आमिषाला बळी पडून गुन्हेगार बनत चालित, तर यांचं कुठेतरी समुपदेशन होणं गरजेचं आहे अध्यक्ष महोदय। आणि अल्पसंख्याक शाळांना नॉन, म्हणजे जी नॉन सॅलरी ग्रँट असते ही फार कमी आहे, 2019 ते 2022 ती दिलीच गेलेली नाही, ती ग्रँट वितरित करण्यात यावी। आणि अध्यक्ष महोदय, 60% मुस्लिम समाज माझ्याकडे आहे, म्हणून एक मागणी करते की काही ट्रस्टच्या मस्जिदी आहेत आणि काही अल्पसंख्याक ट्रस्टचे इमारती आहेत, त्यांच्या अतिशय जीर्ण अवस्था झालेल्या आहेत, तर यांच्या पुनर्विकासाच्या दृष्टिकोनातनं अध्यक्ष महोदय कुठेतरी त्याच्यावर विचार व्हावा। आणि जाता जाता एक सांगेन की माझ्या माझगाव विभागामध्ये, कारण आपले पालकमंत्री कोळीवाडे सजवत आहेत, गावं सजवत आहेत, तर माझगाव विलेज आहे आणि तिथे हेरिटेज बंगलोज आहेत, जे पर्यटक तिथे बघायला येतात फॉरेनवरनं, तर तिथे संरक्षणात्मक दृष्टिकोनातनं काहीतरी उपाययोजना हवी, ही मी मागणी करते। आणि मला बोलायला दिल्याबद्दल धन्यवाद। लेकिन उर्दू के लिए आगे आना बहुत बड़ा मुद्दा है, ये लोग अक्सर आगे रहते हैं, लेकिन हम आपको इससे पहले एक चीज बता देते, देखिए ये है राज ठाकरे, आप जानते हैं जब ये मुंह खोलते हैं तो इनके मुंह से आता है मस्जिदों के भोंगे उतरे, भोंगे बंद हो गए। दूसरा, अभी हाल ही में माहिम मखदूम शाह सरकार के जो दरगाह के जो पीछे दरगाह शरीफ के खिजरुल इस्लाम की जहां पे बैठक हुआ करती थी, वो छिल्ला तुड़वाने के लिए इन्होंने आवाज उठाई, वो भी डिमोलिश हो गया। ये भी ठाकरे परिवार से हैं, लेकिन ये जो यामिनी यशवंत जाधव है, इनके हस्बैंड, ये भी ठाकरे परिवार में 42 ईयर्स मातोश्री में ये माथा टेकते हुए आए हैं। राज ठाकरे जिस तरह से जन्म लिए ठाकरे परिवार में, उसी तरह से एक सच्चे सिपाही की तरह यशवंत जाधव ने मातोश्री में कंटिन्यू रहे, और उसका नतीजा ये कि 5 से 6 बार कंटिन्यू यशवंत जाधव माजगांव बायकल्ला विधानसभा से कॉर्पोरेटर इलेक्शन जीतते आए। जब सीट लेडीज हुई तो वहीं पे उनकी वाइफ, जो कि हाउस वाइफ थी यामिनी यशवंत जाधव, उन्हें उन्होंने रिक्वेस्ट किए कि हमें जनता की सेवा करना है, ये सीट हाट से चली जाएगी, अभी लेडीज और कोई खड़े होंगे तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे। इनकी वाइफ ने अपना घर बार बच्चों को देखते हुए और इन्होंने मेहनत करके इलेक्शन में उतरे, और उसके बाद में नतीजा ये आया कि ये कॉर्पोरेशन में जीती, उसके बाद गार्डनिंग चेयरमैन बनी, फिर उसके बाद सीट जब वापस ओपन हुई तो यशवंत जाधव बने, और 4 बार यशवंत जाधव स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बने, उसके बाद में यामिनी यशवंत जाधव आमदार बनी। इनका आमदार बनने का हम आपको एक राज बताते हैं, राज क्या है, एक हकीकत बताते हैं। पहले तो आप देखिए, भाईकल्ला विधानसभा 50 सालों का एक इतिहास रहा है, एमएलए फयाज अहमद जनता दल से जीते, उसके बाद में कंटिन्यू मधु चौहान आए, उसके बाद में लोगों ने देखा कि चलिए अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड अंडरवर्ल्ड, अरुण गौली कौन नहीं जानता, ये भी खड़े हुए, अखिल भारतीय सेना के प्रमुख, इन्हें भी जनता ने बायकल्ला की आमदार बनाया। उसके बाद में आए बांद्रा से वारिस पठान भी 5 साल आमदार है, उसके बाद में इतिहास गवाह शिवसेना का अगर कोई आमदार बना है वो भी लेडी में, तो वो है यामिनी यशवंत जाधव।
और आमदार बनने के बाद भी उन्होंने अपना काम करके दिखाया। उनका काम करने का तरीका, चाहे नारियलवाड़ी कब्रस्तान हो, चाहे रे रोड की शमशान भूमि हो, चाहे बायकल्ला विधानसभा में और भी कोई धार्मिक स्थल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा, चर्च हो, जहां भी इन लोगों से एक्टिविटीज होती है, इन लोगों ने करके दिखाए। नारियलवाड़ी कब्रस्तान में एक जमाने से जो छोटी छोटी घासलेट की लाल टैन लेके जाया करते थे, जब मुर्दों को दफनाए जाया करते थे रात में, वहां पे आज स्ट्रीट लाइट लगी है इन लोगों की बदौलत। यशवंत जाधव और यामिनी यशवंत जाधव, आज इनका काम करने का तरीका देखिए और राज ठाकरे का तरीका देखिए, कितना फर्क है। दोनों ही हिंदुत्व, बाला साहब ठाकरे की शिक्षा में रहे यशवंत जाधव हो या राज ठाकरे हो, बाला साहब ठाकरे ने कभी भी ऐसा नहीं किया हिंदू मुसलमान। उन्होंने खुद उनकी सरकार में साबिर शेख जो थे उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिए थे, राज्य मंत्री बनाए थे। लेकिन यहां पे आपको बताने का मकसद एक ही है, हिंदू हिंदू, लेकिन इनमें फर्क देखिए, ये कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं करते। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म का हो, जाधव परिवार के घर पे आधी रात को दरवाजा खुले रहता है, आधी रात को उनकी ऑफिस हो, घर पे लोग आते मदद के लिए और ये लोग मदद करते। उनका नतीजा ये है कि आज 50 साल में शिवसेना के आमदार से सीट अगर जीत के आई है, इतिहास गवाह है बायकल्ला विधानसभा, तो वो है यामिनी यशवंत जाधव। तरीका है काम करने का यशवंत जाधव, शिवसेना उपनेते, माजी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, इन लोगों का तरीका हम आपको बता दें जो आपके सामने है। जनता कोई भी चले जाए। मुंबई से साजिद कुरैशी, एडिटर सुप्रिया टाइम्स।